दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल अजयराम तिर्की में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जाति से मिलवाने जा रहा हूँ जो सन 75-80 के दशक में खाना बरोस कर जिंदगी जीते थे। एक जगह ये रुकते नहीं थे, जंगलों में ही निवास करते थे, एक छोटा झोपड़ी बनाते थे, 2-3 महीने रहने के बाद वहाँ से भी वो कूच कर जाते थे। वो बिल्कुल मानव आबादी से बिल्कुल दूर रहते थे, मानव आबादी के साथ में रहना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कंदमूल खाना, सड़े गले मांस खाना, जंगलों से ही भोजन एकत्रित करना, बंदरों को मार के खाना, यही इनका काम था। आइए देखते हैं आज इनका जीवन कैसा है। दोस्तों इनसे मिलने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि इन्हें मैं शिक्षा के प्रति जागरूक करूं और ये शिक्षित हों और एक दिन इस देश के लिए एक अच्छा मानव संसाधन तैयार बन के उभरें। इस जाति का नाम है बिरहोर। तो आइए इनसे मिलते हैं। ये जातियाँ इस तरह का कुछ झोपड़ियाँ बनाते थे, लेकिन ये दिख रहा है ऐसा नहीं होता था। वो पूरी तरह से पत्तों से ढका होता था, गर्मी धूप और बरसात से पूरी तरह से वो लोग सुरक्षित रहते थे। वो इसके अंदर में ही खाना बनाया करते थे और इसी के अंदर में वो रहते थे। इस तरह का इनका जीवन चलता था, लेकिन आज शासन के प्रयास से इनके लिए मकान बना दिया गया है। अब खाना बदोस जीवन छोड़ करके अब इन लोग एक जगह स्थिर होकर के रहते हैं। आइए अब हम इनके बस्ती का जरा भ्रमण करते हैं। आइए यहाँ कुछ लोग एकत्रित हैं। इनकी संख्या यहाँ पर बहुत ही कम है, बहुत कम लोग यहाँ निवास करते हैं। आइए ज़रा इनसे हम लोग इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इनके शिक्षा के विषय में जानते हैं, इनके पढ़ाई के विषय में जानते हैं, इनकी जागरूकता के विषय में जानते हैं। क्या नाम है? बिरसुराम। बिरसुराम कटे पढ़े हैं? मैं स्कूल है तो आगे जाते रहे, लेकिन अभी छोड़ दे हैं। ले किसे कर दे वाला मैंने कुछ क्लास पढ़े हैं तीन पढ़े हैं। हाँ नाम पढ़ता नाम लिख लेता है वो लिख लेता हूँ। अच्छा ठीक। और तो गांव का छोवन पढ़ाई कर रहे नहीं कर? अभी पढ़ाई तो करते है, अभी यहाँ कोरोना कौन है अभी छोड़ी नहीं का? हाँ कोरोना में तो सब बंद है। हाँ बंद है। हाँ सबसे बड़े क्लास में कौन है अभी? बोले क्लास में मोर बेटा है। अच्छा हाँ वो कौन क्लास में है? आठवीं में है। आठवीं में है। हाँ तो कर ले आगे और कोई नहीं पढ़ी है? हाँ आगे तो कोई नहीं पढ़ी है। अच्छा तो कहाँ नाम है? लक्ष्मी भाई। अच्छा लक्ष्मी भाई। लक्ष्मी भाई तो क्या कुछ हुआ है? चार जी। चार कैसे लड़का है? दुगोट बाबू है, दुगोट नौनी है। अच्छा दुगोट बाबू दुगोट नौनी है। अच्छा एवं पढ़ाई उढ़ाई एवं कर?
दू जन तो पढ़ाते हैं, दू जन तो छोड़ डाले। रजनी भाई। रजनी भाई, तो रजनी भाई पढ़ने में तो मन करता है कि? करता है। करता है, अभी पढ़ाई कर रही है? हाँ। कौन क्लास में? आठवीं। आठवीं पढ़ रही है, ठीक। अब बिल्कुल पढ़ाई को मत छोड़ना है ना, नहीं छोड़ना है। हाँ। एकदम आखिरी दम तक पढ़ाई करना है। हाँ। जाति प्रमाण पत्रों के सब बनेगा, पढ़ोगे तो नौकरी भी तुम लोग को लगेगा। तो विशेष जनजाति में आते हो इसलिए नौकरी जल्दी लगता है, इसलिए पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना ना, एकदम मत छोड़ना, पढ़ाई करना है, ठीक है। हाँ। खाना पीना किताब सब मिल जाता है ना? हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। पढ़ाई को नहीं छोड़ना है ना? हाँ। इधर देखते बोलो, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। हाँ। है ना, बिल्कुल पढ़ाई बंद मत करना। हाँ। लगातार पढ़ाई करते रहो, ठीक है? ठीक है। आ, क्या नाम है बेटा आपका? लीलावती भाई। लीलावती भाई, आप पढ़ाई कर रही हैं? निकल गई स्कूल से। अच्छा, कौन क्लास से पढ़ाई की? आठवीं। आठवीं के बाद नहीं निकलते हैं बेटा, आठवीं के बाद नहीं पढ़ते हैं। कब निकली आठवीं? बहुत साल हो गया। बहुत साल हो गया, अच्छा। अभी भी प्राइवेट लिख करके आगे पढ़ सकती है ना? जी। प्राइवेट लिख सकती है अभी, है ना? प्राइवेट लिख लेना और बढ़िया से प्राइवेट में भी पढ़ाई करके तुम बारहवीं भी पास करेगी ना तो तेरा नौकरी लग जाए, इसलिए पढ़ाई को मत रोको, ठीक है? गलती से रुक गया लेकिन पढ़ाई को जारी रखना है ना? जी। है ना, पढ़ाई करोगे तो पूरा जीवन बदलेगा। मैं भी तो जंगल में था, यहाँ तुम ही लोग के जैसे था, घूमना फिरना जंगल में, गाय गोरू चराना, यही सब करते थे। जी। पढ़े लिखे और नौकरी कर रहे हैं, तो देखो मेरे पास गाड़ी भी है, है? जी। तो तुम लोग भी पढ़ाई लिखाई करोगे तो सब कुछ होगा, है ना? जी। हाँ, ठीक। पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करना है ना, सब लोगों को बोल रहा हूँ ना, पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करना है। जो बच्चे भी यहाँ नहीं है उनको ही बताना कि पढ़ना है ना, हर हाल में पढ़ना है। खाना कम खाओ लेकिन पढ़ाई करना है, ठीक है ना? पढ़ोगे तभी जीवन बदले। हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। और यहाँ एक कर मतलब है कि तुम्हें स्कूल जाइयो, है ना? पढ़ाई की जो है बिल्कुल छोड़ना नहीं है, है ना? पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, है ना? बोलो, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। दरअसल इन्हें पता ही नहीं है कि आठवीं क्लास के बाद भी पढ़ाई होती है। आज मैंने इन्हें बताया कि आठवीं क्लास के बाद भी पढ़ाई होती है। अब बारी आया इन्हें कुछ कपड़ा देकर मदद करना। जब हम पिछले बार आए थे तो इन्होंने कपड़े की मांग की थी, सो मेरी पत्नी अपने कुछ पुराने कपड़ों को जो अच्छे थे उन्हें छांट करके लाई और इनके लिए कपड़े बांटी, और मैंने कापी और कलम देने का वायदा किया, और हम लोग इन्हें शिक्षा के विषय में बहुत अच्छी रीति से समझा पाए। सो यदि आप भी इन्हें कुछ मदद करना चाहते हैं, इन्हें अपने पुराने कपड़ों को एकत्रित करके अगर देना चाहते हैं तो मेरे इस फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं, इनको शिक्षा में हम आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम सब मिल करके इन्हें मदद करें। मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, लाइक करें और शेयर। फुटबॉल करती है किया है देवे मुके, फुटबॉल करते तूने किया देवे कतेक सास बिला दिखा जो।